स्वागत आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस पर हाजिर इस वक्त किसान बुलेटिन के साथ। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए खेती किसानी और ग्रामीण भारत की खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। श्री हरिकोटा से चांद के लिए रवाना हुआ चंद्रयान 2, 48वें दिन दक्षिण ध्रुव पर करेगा लैंडिंग, इसरो ने उम्मीद से बेहतर बताई शुरुआत। आदिवासियों को जंगलों से बेदखल करने के विरोध में AIKS का प्रदर्शन, वनाधिकार कानून को सही से लागू करने की मांग, 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। बिहार और असम में बाढ़ से 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित, मरने वालों का आंकड़ा 166 पहुंचा। यूपी राजस्थान में बिजली गिरने से 34 लोगों की मौत। आवारा जानवरों से निपटने के लिए मध्य प्रदेश ग्रामीणों की अनोखी पहल, शुरू की एक परिवार एक गाय को गोद लेने की मुहिम, ग्रामीणों ने अब तक 300 गायों को अपनाया। सबसे पहले बात श्री हरिकोटा से, जहां चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण के साथ देश ने नया इतिहास रच दिया है। देश के सबसे ताकतवर बाहुबली रॉकेट GSLV MK3 2:43 पर चंद्रयान 2 को लेकर रवाना हुआ। लगभग 16 मिनट बाद चंद्रयान 2 पृथ्वी की कक्षा से स्थापित हो गया। इसरो प्रमुख के सिवन ने चंद्रयान के प्रक्षेपण को उम्मीद से बेहतर शुरुआत बताया। हालांकि चंद्रयान 2 के चांद तक पहुंचने में 48 दिन का वक्त लगेगा। दरअसल चंद्रयान 2 22 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक धरती के चक्कर लगाएगा, उसके बाद ये चांद की ओर आगे की यात्रा पर निकलेगा। चंद्रयान 2 19 अगस्त को चांद की कक्षा में पहुंचेगा और लगभग 13 दिन यानी 31 अगस्त तक चांद के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। फिर 1 सितंबर को विक्रम लैंडिंग ऑर्बिटर से अलग होकर चांद के दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ेगा। 6 सितंबर को विक्रम लैंडर की चांद की दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग होगी। इसके बाद लगभग 4 घंटे बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर से अलग होकर चांद पर कदम रखेगा। इसमें सफलता मिलने के साथ ही भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना रोवर उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। That way, the satellite people have more life, more fuel, and for playing with the maneuvers. Actually, it is the beginning of a historical journey of India towards moon and to land at a place near South Pole to carry out scientific experiments to explore unexplored. चंद्रयान 2 की इस पूरी कवायद को वैज्ञानिक शोधों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। इस अभियान चांद के बारे में नई नई सूचनाएं मिलने की उम्मीद है। चंद्रयान 2 एक ऐसा मिशन है जो हमें ये बता रहा है कि उसकी सतह में क्या है, उसके भीतर क्या है, उसके ऊपर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें आगे एक लाइफ बढ़ाने में काम आएगी। आदिवासियों को जंगलों से बेदखल करने के विरोध में ऑल इंडिया किसान सभा और भूमि अधिकार आंदोलन से जुड़े लोगों ने दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है। उन्होंने 2006 में बने वन अधिकार कानून यानी FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट को सही से लागू करने की मांग की है। दरअसल इसी साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने उन आदिवासियों को वनों से बाहर निकालने का आदेश दिया था जिनके जंगल में रहने के दावे वन अधिकार कानून के तहत खारिज हो गए थे। हालांकि अदालत ने बाद में अपने इस फैसले पर रोक लगा दी थी और इसी मामले में 24 जुलाई को सुनवाई होनी है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्यों से इस मामले की सुनवाई के दौरान आदिवासियों का पक्ष मजबूती से रखने की मांग की है। ये कानून को बर्बाद करना चाहता है क्योंकि मंशा यही है, खनिज के ऊपर गरीब आदिवासी रहता है, नीचे खनिज है और खनिज सारे बड़े बड़े कॉरपोरेट का नजर में। वो कॉरपोरेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिसर मिनिस्टर वो कॉरपोरेट से पैसा लेके वो जमीन उसको देगा और आदिवासी को उखाड़ देंगे, ये मानसा है। इसलिए ईमानदारी से सेंट्रल गवर्नमेंट वो कानून को डिफेंड नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट को एक तरफा जजमेंट दिया। हम लोग मांग कर रहे हैं कि ऑर्डर वापस लिया जाए, पिटीशन वापस ली जाए और जो है ये बेदखली की रोक लगाई जाए। अब ऑर्डर तो दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बेदखली शुरू हो गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जगह जगह जाके, जबकि स्टे हो गया, इसी कोर्ट ने स्टे किया है, उसके बावजूद भी सुप्रीम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, बुरहानपुर में, मध्य प्रदेश में, चित्रकूट में, यूपी में, अभी सोनभद्र में तो एक घटना ही हो गई है और हर जगह पर वहाँ पर बेदखली करनी शुरू कर दिया और ऑर्डर दे दिए लिखित, जबकि स्टे है अभी भी।
और इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं आदिवासियों के हक की आवाज़ उठाने वाले अभय खाका जी। अभय जी, आदिवासियों के लिए जो कानून लाया जा रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी जो अपनी संपत्ति है, अपनी ज़मीन है, उनसे बेदखल किया जा रहा है। दरअसल इसके पीछे की वजह क्या है? क्या आपके पास जो प्राकृतिक संपदा है उस पर कब्जा जमाना है? पूंजीपतियों के हाथ सरकार कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तमाम जगहों को कब्जा करना चाहती इसलिए ऐसे कानून ला रही है? देखिए, यदि मामले की जड़ पर यदि हम जाएंगे तो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च जैसे प्रतिष्ठित संस्थान जो है उन्होंने शोध करके ये बात सामने लाई है कि जो देश की आदिवासी जनसंख्या है जो पांचवी अनुसूची और छठवी अनुसूची क्षेत्रों में रहते हैं, क्योंकि आदिवासियों की जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या का महज 8-8.5% है, लेकिन जो प्राकृतिक संसाधन को उन्होंने बनाए रखा है वो 15% से भी ज्यादा भूभाग में उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों को अभी तक बचाए रखने का काम किया है, जिसमें कि पूरे देश भर के जो बायो रिजर्व्स हैं, बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज हैं या फॉरेस्ट रिजर्व एरियाज हैं, ये आदिवासी समुदायों के ही जो है जो दशकों से जो उन्होंने काम किया है प्रकृति के साथ एक सहजीवन की एक संस्कृति जो चलाई है उसकी वजह से ही जो है देश के जो वन भाग हैं वो अभी तक बच पाए हैं। ठीक है, यानी आदिवासियों की इसमें एक बड़ी भूमिका रही है, लेकिन जो कानून बनाए जा रहे हैं उससे आपके हक की अवहेलना हो रही है। आदिवासी खासकर जंगलों में, पहाड़ों में, उन क्षेत्रों में जहां कहें कि बड़ी तादाद में है, वो जल जंगल जमीन के संरक्षक भी हैं। ऐसे में इस कानून से उनको क्या क्या लॉस होने जा रहा है? देखिए, ये जो एक तो ये है कि उनकी जो भूमिका है उसको जो है कि वर्षों तक उस भूमिका को सरकार ने दबाने की कोशिश की है, उनसे जो है कि उनको बेदखल करने की कोशिश की है, जिसको एक ऐतिहासिक गुण मानते हुए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है 2006 में लाया गया था, ताकि उनको जो है उनके जो प्राकृतिक संपदाओं पे जो परंपरागत अधिकार हैं वो उनको मिल सके। लेकिन अभी के समय में हम देखते हैं, आप देखिएगा कि बड़े स्तर पे ना सिर्फ देश में बल्कि वैश्विक स्तर पे भी जमीन को ग्रैब करना, मतलब कि लैंड ग्रैबिंग का एक बहुत बड़ा प्रोसेस शुरू हुआ है, चाहे वो एशिया के दूसरे देशों में हो, लैटिन अमेरिका में हो, कनाडा में हो या फिर अफ्रीका में हो। अब देख रहे हैं कि कई जगहों पर जो जमीन जो है जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है उस हिसाब से ग्रैब किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो ठीक है कानून के दायरे में लाने की जो कोशिश है सुप्रीम कोर्ट में, या तो सही तरीके से आपके मामले को रखा नहीं जा रहा, दूसरा ये जो बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि आदिवासी इस देश की आज़ादी में भी अपनी बड़ी भूमिका निभा चुके हैं, चाहे वो सिद्धो हो, कानो हो, बिरसा मुंडा हो, बहुत सारे आदिवासी नेता ऐसे रहे, क्या आपको लगता है एक टकराव की स्थिति पैदा कर रही है, फिर ऐसे हालात पैदा हो? ये बिल्कुल आपने सही कहा है। ये हमारे देश के राष्ट्रपिता उन्होंने कहा था कि प्रकृति के पास सभी लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, पर उनकी लालच को पूरा करने के लिए उनके प्रकृति के पास भी कोई मतलब पर्याप्त साधन नहीं है, है ना? देयर इज इनफ रिसोर्सेस फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड। तो ये अभी वही चीज हो रही है कि आप देखिए कि कई राज्यों में लैंड बैंक बना दिए गए हैं। ठीक है, एक चीज़ और आपसे बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये भी है समझना, क्योंकि आदिवासियों की हक की जब तक बात होती है तो कई सारे राज्य बन गए और कई सारे आदिवासी मुख्यमंत्री भी राज्यों को दिए गए, चाहे वो आपके झारखंड का मामला हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मामला हो, चाहे आपके उत्तराखंड का मामला हो या तमिलनाडु का मामला हो। क्या आपको लगता है कि आदिवासियों के हक की अवहेलना होगी तो CPI-ML का उभार ज़्यादा होगा और नक्सलवाद और माओवाद की स्थिति ज़्यादा बढ़ेगी? हमको ये जो प्रश्न है ना, ये CPI-ML या फिर माओवाद के प्रश्न से और भी बड़ा, बहुत बड़े प्रश्न है, उसको हमको ऐसे छोटे मतलब कि ये सब तमाम जो वाद हैं ये तो मतलब कि जब अति बहुत ज्यादा जहाँ पर अति हुई है वहां पर इस तरह के वाद निकल के हमको देखने को मिलता है ना।
लेकिन ये समस्या के ये संकेत मात्र हैं, ये समस्या के संकेत मात्र हैं। इसके जड़ तक जाना जरूरी है यदि हमको इन सभी वाद का ये जो वो है इनसे यदि हमको बाहर निकलना है और समस्या को मतलब कि पूरी तरह से यदि समझ के सुलझाना है तो हमको समस्या की जड़ तक जाना पड़ा होगा। जड़ जो है वो यही है कि संसाधन कम है, प्राकृतिक संसाधन कम है और उस पर जो है कि अब बहुत से लोगों की नजरें। बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो तो अब शहरों में दिखते नहीं हैं, जंगलों में पहाड़ों में जो बचे हैं जिसको संरक्षित कर रहे हैं आदिवासी जो जंगल के एरिया में रह रहे हैं उन्हीं को आप बेदखल कर दे रहे हैं। और इस कानून में एक प्रावधान ये भी हमने डिस्कस भी किया कि आपके पास अगर पट्टे की पेपर हैं या फिर आपके पास ज़मीन के कागजात हैं तो वो दीजिए। अब कोई भी आदिवासी 200 साल 400 साल से रह रहा है तो आज के डेट में तो हम पेपर क्या, उन तो पढ़े लिखे होते नहीं, चीज़ों को संभाल ही नहीं सकते, उनका अपना ना घर होता सही से ना रहने की व्यवस्था होती, वो पेपर कहाँ से संभालेंगे। एक समस्या ये भी है, ऐसे में किसान भी अब उनके साथ खड़े हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बात सही से नहीं रखी गई आदिवासियों के हक की, इस फैसले को बदलना चाहिए, इस फैसले पर पूर्ण विचार होना चाहिए। अभय खागा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम अपनी बात रखने के लिए भी। बिहार और असम में बाढ़ के हालात में कोई सुधार नहीं आया है, लगातार बारिश होने से ज़्यादातर नदियां उफान पर हैं और इस बीच बाढ़ से मरने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है, मरने वालों की तादाद अब 166 पहुंच चुकी है। घरों में घुसते पानी और नाव के जरिए रास्ता पार करते इन लोगों की ये तस्वीरें बिहार और असम की हैं। दोनों पूर्वी राज्यों में बाढ़ ने काफी तबाही मचाई है। तस्वीर इतनी भयावह है कि बाढ़ से करीब 1,11,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं। पानी में घिरे लोग पलायन करने को मजबूर हैं। बाढ़ से अब तक मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 166 हो गया है। असम में मरने वालों की संख्या 64 हो चुकी है जबकि बिहार में ये आंकड़ा 102 तक पहुँच चुका है। बिहार में बाढ़ से 12 जिलों के 72,78,000 लोग प्रभावित हुए हैं जबकि असम के 33 जिलों के 38,37,000 लोग बाढ़ का प्रकोप झेल रहे हैं। बिहार में कई जिले बाढ़ की वजह से टापू बन गए हैं, चारों ओर फैले पानी ने लोगों के आशियाने मिटा दिए हैं। बाढ़ से बिहार का सीतामढ़ी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है, यहां अब तक 27 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं मधुबनी जिले में भी बाढ़ ने तबाही मचाई है, मरने वालों का आंकड़ा यहां बढ़कर 23 पहुंच गया है। समूचे राज्य में बड़े पैमाने पर क्षति हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी और दरभंगा जिलों में राहत शिविरों का दौरा किया। सड़क पर रह रहे हैं, मजबूरी है, फंसे हुए हैं, घर द्वार में पानी इतना चला गया है तो क्या करें, मजबूरी तो रहना ही पड़ेगा ना। माल मवेशी सब घिराया हुआ है, उधर सब डूबेगा अलगे। खाने पीने लत्ता कपड़ा हर चीज की दिक्कत है, सब चीज की दिक्कत है, क्या करेगा, दिक्कत हो के गमाने पड़ता है। असम में लगातार हो रही बारिश कहर बरपा रही है, चारों ओर पानी ही पानी है, आशियाने डूब गए हैं और लोगों की कमर तक पानी भरा हुआ है। चारों ओर सैलाब में घिरे लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। घर, स्कूल और सड़कें सब पानी में डूब चुके हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी ASDM के मुताबिक असम में मोरी गांव से 2 और धेमाजी, ग्वालपाड़ा और कामरूप से 1-1 व्यक्ति के मरने की खबर है। राहत और बचाव के लिए NDRF की टीमें लगातार मदद पहुंचा रही हैं। कफील अहमद फारूकी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो बाढ़ की मुश्किलों के बीच आकाशीय बिजली ने भी कहर बरपा रखी है, इसकी चपेट में आकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान से 34 से ज्यादा लोगों की अपनी जान जा चुकी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश ने देश के कई हिस्सों में तबाही मचा रखी है। बाढ़ का सितम अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि अब आकाशीय बिजली गिरने से यूपी और राजस्थान में 34 लोगों की मौत हो गई। वहीं राजस्थान में 26 मनरेगा मजदूर भी झुलस गए हैं। यूपी के अलग अलग शहरों में आकाशीय बिजली ने कई लोगों की जान ले ली। कानपुर शहर के घाटमपुर क्षेत्र और फतेहपुर में 7-7 लोगों की बिजली गिरने से मौत हो गई। बुंदेलखंड के हमीरपुर में बिजली गिरने से खेतों में काम कर रहे 3 किसानों की जान चली गई। जालौन में बिजली की चपेट में आकर 2 किसान, 1 मजदूर और 1 महिला ने जान गंवा दी। वहीं झांसी में 5, रायबरेली में 2 और चित्रकूट में 1 शख्स की मौत हो गई।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक जाहिर करते हुए 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। पिछले साल के मुकाबले बरसात के दौरान बिजली गिरने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। इससे पहले भी 24 और 25 जून को आकाशीय बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई थी। बिहार में 27 जून को अलग अलग जिलों में बिजली गिरने से 30 लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। एक तरफ सरकारें हर काम को बायोमेट्रिक पहचान यानी आधार से जोड़ने चाहती है, दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि लोगों को आधार कार्ड बनवाने के लिए दर दर की ठोकरें भी खानी पड़ती है। यूपी के सिद्धार्थनगर की ये तस्वीर कुछ यही बयां करती है। आश्वासन दिया जा रहा है कि यहाँ बन जाएगा, यह आश्वासन दिया जा रहा है। कौन आश्वासन दे रहा है आपको? डॉक्टर साहब हैं और कोई यहाँ तो कोई है ही नहीं पूछताछ करने वाले, सिर्फ डॉक्टर साहब बैठते हैं, वही कहते हैं कि आश्वासन देते हैं कि बन जाएगा। ये शिकायत है आधार कार्ड बनाने के लिए आने वाले लोगों की। सरकारें बैंक खाता खोलने से लेकर सरकारी योजनाओं का फायदा लेने तक में आधार कार्ड को जरूरी बनाती जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में लोगों को आधार बनवाने और इसमें सुधार कराने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। मुख्य डाकघर में आधार कार्ड बनवाने के लिए आने वाले यहाँ के कर्मचारियों पर पैसे लेने का आरोप लगा रहे हैं। तीन रोज से मैं बच्चों को लेकर दौड़ रहा हूँ, तो बच्चों को लेकर के सिर्फ मेरे बच्चों के आधार कार्ड का संशोधन होना है। लाइन बहुत लंबा लग रहा है और 9 बजे रात को कोई यहाँ पे लाइन लगा रहा है, 8 बजे खुल रहा है लेकिन काम 11 बजे से हो रहा है। जो पैसा देते हैं उसी का बनता है, जो मेरे को उनका। देखिए एक लोग आए हैं, 100 रुपये साथ कोई दिया है, तो 1 घंटे में उनका बनकर रेडी हो गया, चले गए। लोगों के आधार कार्ड ना बन पाने के बारे में जब मुख्य डाकघर के पोस्टमास्टर से पूछा गया तो वो एक दिन में केवल 25 से 30 आधार कार्ड बनाने की क्षमता होने का हवाला देते नजर आए। हालांकि जिलाधिकारी ने आधार कार्ड बनने में देरी की समस्या दूर करने और इसके लिए डाकघर में रिश्वतखोरी की शिकायत की जांच कराने का आश्वासन दिया। प्राइवेट वेंडर्स और जो सब आधार बनाते थे वो सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से बंद कर दिए गए, तो अब कुछ डाकघर या कुछ भी नहीं, जो बैंक से जहाँ पे आधार बन रहा है, तो शायद हो सकता है कि इसका फायदा भी लोग का लाभ उठा रहे हो, तो कोशिश यही की जाएगी सही की शिकायत वापस ना आए। केंद्र हो या राज्य सरकार, आधार कार्ड को भ्रष्टाचार और धांधली रोकने का उपाय बताते नहीं थक रही हैं। ऐसे में सिद्धार्थनगर में सामने आई ये शिकायतें न केवल आधार कार्ड बनाने के सरकारी इंतजामों बल्कि सरकार के निगरानी तंत्र को भी कटघरे में खड़ा कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से परवेज अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार खेती किसानी से जुड़ी कुछ और अहम खबरें होंगी, चलते रहिए किसान प्रोडक्ट के साथ। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1800-300-2607। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acres ऑफ लश ग्रीन कैंपस, हॉस्टल फैसिलिटी। एडमिशंस ओपन फॉर इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डेंटल, कंप्यूटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर। भाभा यूनिवर्सिटी एट होशंगाबाद रोड, भोपाल। कॉल 9165025500। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर किसानों ने एक बार फिर प्रदर्शन किया है। भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में धरने पर बैठे किसानों ने बिजली की दरें नहीं बढ़ाए जाने की भी मांग की है। किसानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर गन्ने का बकाया भुगतान कराने और बिजली की दरें नहीं बढ़ाए जाने की मांग की है। इसके लिए किसानों ने प्रशासन को 31 जुलाई तक का समय दिया है। किसानों ने अपनी मांगें पूरी नहीं होने पर जिला मुख्यालय में ताला लगाने का ऐलान किया है। तो DM साहब ने कावड़ के बाद आश्वासन दिया है कि हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, नहीं तो इनके मिल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कावड़ के बाद DM कार्यालय के बाहर ताला लगा दिया जाएगा और उनके यहाँ बिस्तरा डाल के खाना पीना सब यहीं, भोजन यहीं होगा। जब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा तो DM कार्यालय के अंदर नहीं बैठ सकते, अपने घर पर बैठे। बार बार अनुरोध करने के बाद में भी 2 चीनी मिल ऐसे हैं, एक बजाज गांगनोली
और एक उत्तम शहर में हूँ। इनका सबसे 33% और 60% के आसपास भुगतान है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन किसानों के घरेलू और ट्यूबवेलों के बिजली के बिल बढ़ाने को जारी, तो विद्युत नियामक आयोग को प्रतिनिधि अपना किसानों की आवाज़ उठाने डीएम के माध्यम से उसे लेटर भिजवाया कि रेट ना बढ़ाए जा, किसान की हालत ऐसी है नहीं। हरियाणा या पश्चिम उत्तर प्रदेश की खाप पंचायतें अक्सर अपने रूढ़िवादी सोच और फैसलों को लेकर चर्चा में आती हैं, लेकिन हरियाणा के जिंद जिले में एक दो नहीं बल्कि 24 गांवों की खाप पंचायतों ने एक रूढ़ी को तोड़ने का बीड़ा उठाया है। क्या है ये बीड़ा, इस रिपोर्ट से समझिए। अपने रूढ़िवादी फैसलों के लिए सुर्खियों में रहने वाली हरियाणा की खाप पंचायतों का एक ऐसा फैसला आया है जिसकी प्रशंसा करने से शायद ही कोई खुद को रोक पाए। जींद जिले के 24 गांवों की सर्वजातीय खेड़ा खाप ने फैसला किया है कि गांव वाले अपने नाम के साथ जाति या गोत्र का नहीं बल्कि गांव का नाम लगाएंगे। खाप पंचायत ने यह कदम जातिवाद खत्म करने और भाईचारा बढ़ाने के लिए उठाया है। 24 गांव के व्यक्ति आए थे, उनमें खाती भी थे, लुहार भी थे, चमार भी थे, ब्राह्मण भी थे, जाट भी थे, लेकिन हमने उन सभी भाइयों को एक ही संदेश दिया है, जो जाति पाति का जहर फैला हुआ है इसको समाप्त करने के लिए गोत्र को हमें छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम अपने नाम के पीछे गोत्र लगाएंगे तब तक ये जाति पाति फैल रही है। गोत्र का और ये जाति पाति का भेदभाव मिटा के और सबको एक साथ मिलकर काम करना है, और ये जो लड़कियों को बारे में जो गलत सोच है इसको मिटाना है और बेटी को पढ़ाना है। खाप पंचायत ने मकानों और गाड़ियों पर भी जाति और गोत्र का जिक्र न करने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, खाप पंचायत ने ग्रामीणों को इसके लिए जागरूक करने और अभियान में शामिल करने का फैसला किया है। सर्व जातीय खाप पंचायत अपने इस अभियान को धीरे धीरे पूरे प्रदेश में बढ़ाने की योजना बना रही है। कोशिश करेगी पूरी, अपना गोत्र ना लगाए, अपनी जात ना लगाए, सिर्फ हमारा हिंदुस्तानी एक ही आदमी है, और कोशिश करें हम गांव-गांव में कमेटी बनाए कि इसका संदेश भेज दे। जहां जाति के नाम पर उत्पीड़न और टकराव देखने को मिल रहा है, वहां खाप पंचायत का जाति सूचक शब्दों को इस्तेमाल नहीं करने का फैसला पूरे देश के सामने एक नया समाज बनाने की नजीर पेश करने वाला है। सब बराबर के भाई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। बच्चों को गोद लेने के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन आप गायों को भी गोद लेने की पहल शुरू हुई है। ये पहल की है मध्य प्रदेश के ग्रामीणों ने। कितनी कारगर होती है ये पहल, ये तो कुछ समय बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इस मुहिम से गांव वाले खुश भी नजर आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये व्यवस्था आगे भी चले। गायों पर नंबर डाला जा रहा है, सींग पर रंग लगाया जा रहा है, ये सारी कवायद गायों को गोद लेने से जुड़ी है। जी हाँ, सही सुना आपने। मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले के नापानेरा, नारायणपुरा, तालाबपुरा और बरखेड़ी गांव के ग्रामीणों ने 300 बेसहारा मवेशियों को गोद लेने का फैसला किया है। इसके लिए हमने ये फैसला लिया, ग्राम संरक्षण समिति बनाई गई, इसमें बरखेड़ी, नापानेरा, तालाबपुरा, नारायणपुरा, नेवज और नेवली के ग्रामीण जनों ने मिलकर समिति का निर्माण किया और निर्णय लिया कि हर घर का एक व्यक्ति एक गाय बांधेगा और उस गाय को छोड़ेगा नहीं कभी भी। समिति द्वारा तो बहुत अच्छा फैसला लिया गया सर, गांव के हर एक बंदे ने एक एक गाय को गोद लिया है और हमने भी लिया है, और ये अच्छी पहल है कि लड़ाई झगड़ों से गांव में शांति बनी रहे, लड़ाई झगड़े ना होए और फसल बर्बाद होने से बचे। सबसे पहले नापानेरा में करीब 200 मवेशियों को एक एक परिवार ने गोद लिया, जिसे देखकर नारायणपुरा, तालाबपुरा और बरखेड़ी गाँव के लोगों ने भी 100 मवेशियों को गोद ले लिया है। इस काम में लगी समिति ने गायों के लिए निःशुल्क चारे और इलाज का भी इंतजाम किया है। ग्रामीणों की इस पहल को आगे बढ़ाने में पुलिस प्रशासन भी सहयोग कर रहा है। नापानेरा के समस्त ग्रामवासी, तालाबपुरा, नेवज, नेवली सभी लोगों ने ये बहुत ही अच्छी पहल की, इसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इन लोगों ने यहाँ गाय पालने का संकल्प लिया है, प्रत्येक घर में ये लोग एक एक गाय पालेंगे। बीते कुछ सालों में दूध ना देने वाले मवेशियों को छुट्टा छोड़ने का चलन बढ़ा है। ऐसे बेसहारा जानवर खेतों में खड़ी फसलों के लिए भी काफी परेशानी का सबब बने हैं, और इसी के चलते किसान बेहद परेशान हैं। नुकसान के डर से ग्रामीण इन्हें अपने अपने इलाकों से भगाते रहते हैं, इसमें कभी कभार झगड़े तक की नौबत भी आ जाती है। अब इस पहल से ग्रामीणों को इन समस्याओं से निजात मिलने की उम्मीद है।
पालेंगे पोसेंगे, अगर नहीं भी होगा चारा मारा तो मोल ला के उसे खिलाना, उसका पेट भरना, उसकी सेवा करना। हर गोद ली है, इधर तो उधर भगाते थे, लड़ते थे आपस में। हमने की अपने हिसाब से सब गाँव वाले बांट लो तो किसी का उजाड़ नहीं होगा। लोग गायों को गोद लेकर दोबारा ना छोड़ें, इसके लिए ग्रामीणों ने आपसी सहमति से मवेशी को बेसहारा छोड़ने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराने का भी फैसला किया है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से गोविंद सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। ये देश काफी संवेदनशील है, गायों से आस्था जुड़ी है। अब देखना यह है कि ये गाय ना तो दूध देती है ना किसी तरह का वो फायदा पहुंचा सकती है। अब वो चारा भी खाएगी, अब किसानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कितनी राहत मिलेगी कि लोग अपने पैसे से चारा खरीद कर खिलाएं और कितने दिन तक ये लावारिस आवारा पशुओं को अपने घर में रखें। क्योंकि समस्या ये है कि गांव में है तो फसलें बर्बाद हो रही है, शहरों में है तो लोगों की जान जा रही है, क्योंकि सड़कों पर इनकी भीड़ नज़र आती है। चलते चलते ये खबर, क्या आपने कभी सुना है कि काला जामुनी या नीले रंग के गेहूँ? शायद, मुझे लगता है कि नहीं, लेकिन आइए हम आपको ऐसे ही कुछ गेहूं की तस्वीर दिखाते हैं जो बेहद सेहतमंद माने जाने वाले गेहूं की ये किस्म है जो पंजाब के एक शोध संस्था ने विकसित किया है। काले, जामुनी और नीले रंग के गेहूं, जी हां, ये देखने में जितने अच्छे हैं सेहत के लिए भी उतने ही फायदेमंद हैं। रंग बिरंगे गेहूं की इन किस्मों को विकसित किया है पंजाब में मोहाली के नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने। इन किस्मों को विकसित करने वालों की माने तो गेहूं की नई किस्मों में सामान्य गेहूं के मुकाबले ज्यादा पोषक तत्व भी मौजूद हैं। पर्पल, ब्लू एंड ब्लैक, इसमें ब्लैकबेरी या ऐसा कुछ कोई बेरीज नहीं यूज की गई है। इसमें सिर्फ जैसे ब्लैकबेरीज में एंथोसाइनिन होते हैं उसी तरह से इसमें एंथोसाइनिन हैं जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है, इसलिए हमारे लिए ये हेल्दियर वीट है कम्पेयर टू द नॉर्मल वीट। नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने 2 साल पहले जापान से मंगाए गए जर्म प्लाज्म के साथ भारतीय गेहूं के जर्म प्लाज्म को मिलाकर गेहूं की इन किस्मों को तैयार किया है। सामान्य गेहूं में जहां ग्लूटेन की मात्रा ज्यादा होती है जिसे खाने से शुगर बढ़ने का खतरा रहता है, वहीं गेहूं की इन किस्मों के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है। हां, इन किस्मों की पैदावार सामान्य गेहूं के मुकाबले काफी कम है जिसे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम अभी और खोज कर रहे हैं ताकि इसके पैदावार को बढ़ाया जा सके और इसमें पाए जाने वाले एंथोसाइनिन कंटेंट को बढ़ाया जा सके। नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इन किस्मों को निजी कंपनियों के जरिए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मुंबई के किसानों को मुहैया करा रहा है। सामान्य गेहूं के मुकाबले सेहतमंद बताई जा रही इन किस्मों को किसानों के लिए फायदे का सौदा माना जा रहा है, लेकिन इसके लिए गेहूं की इन किस्मों को कम पैदावार और जानकारी के अभाव में बाजार की कमी जैसी चुनौतियों को पार करना होगा। पंजाब के मोहाली से ईशा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।